आपका अपने चैनल रिव्यूज टाइम में, मैं हूं रविंदर और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग के बारे में। तो यह एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और 2007 में ये बनकर तैयार हुआ था। यह आपको एफिलेटेड मिलेगा IPU से और लोकेशन इसकी है दिल्ली में ओखला के पास में, जो कि दिल्ली में जानते वो लोग जानते होंगे गोविंदपुरी के ओखला के पास में ही आपको मिलेगा। आपको कोर्सेज के बारे में और यहाँ पे बताया जाए तो यहाँ पे आपको टूल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि इसी साल ऐड किया गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और एमटेक में टूल इंजीनियरिंग मिलेगा। डिप्लोमा में आपको टूल एंड डाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलेगा आपको। मैं बात बता दूँ, डिप्लोमा आपका हो जाता है वाजीपुर में और बीटेक और एमटेक आपको मिलेगा ओखला में। ये दोनों के दोनों अलग अलग ब्रांच अलग अलग बिल्डिंग में। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया होगा, 55% आपको बीटेक में चाहिए होता है। सीटों की बात की जाए तो आपको हर में आपको 60 सीट मिलेंगी बीटेक में डिप्लोमा में, लेकिन आपको अगर आप जैसे कि नया कोर्स आपका ऐड हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो वहाँ पे आपको ओनली 30 सीट्स मिलेंगी और एमटेक में आपको 18 सीट्स मिलेंगी। आपको पता है मैकेनिकल का भी 4 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा का 3 साल का कोर्स होता है और एमटेक का 2 साल का कोर्स होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा वीडियो देख लो, सो अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद उसमें आपको सारे के सारे कैंपस एरिया सब कुछ के बारे में बताया जा रहा है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो देख लो एक बार, छोटी सी वीडियो है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अब हम आप बात करने वाले फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फीस स्ट्रक्चर में आपको जैसे कि आपको पता होगा IPU के जो भी यूनिवर्सिटीज़ दो ही आप कॉलेज रह चुके हैं, जो कि IPU का मेन जो है द्वारका में है और अब ओखला में आपको ये वाला है, जिसमें दोनों में 74,000 फीस है गवर्नमेंट कॉलेज में। IPU के दो ही गवर्नमेंट कॉलेज में 74,000 फीस है, बाकी प्राइवेट के बारे में आप जानते होंगे। तो यहाँ पे 74,000 फीस है, एमटेक वालों की 80,000 फीस है और डिप्लोमा वालों की 25,000 फीस है पर ईयर। ये पर ईयर की बात। तो फैकल्टीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे जैसा कि जिम है, जिम तो आपको बाहर ही मिलेगा, कॉलेज के कैंपस के अंदर नहीं है क्योंकि कॉलेज में हॉस्टल आपको नहीं मिलता। वाईफाई आपको मिलेगा, मेडिकल की सुविधा बहुत अच्छी है, हॉस्पिटल आपको चांदी वाला बगल में ही मिलेगा, कैफेटेरिया है और कैंटीन आपका अभी तैयार हो रहा है, 1-2 साल में तैयार हो जाएगा। लाइब्रेरी की फैकल्टीज़ हैं जो कि आपने वीडियो में भी देखा। स्पोर्ट्स के मामले में कहूँगा अभी ये बहुत पीछे है क्योंकि कैंपस बहुत छोटा है, लेकिन कुछ टीचर्स हैं जो कि आपको स्पोर्ट्स, शायद इंडोर स्पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, लेबोरेटरीज़ के बारे में आपने लेबोरेटरी वीडियो में भी आपने देखा होगा। प्लेसमेंट की बात की जाए तो प्लेसमेंट एक बहुत ही मेन रोल अपनाता है किसी भी कॉलेज के लिए। तो उसमें आपको कुछ रिक्रूटर्स आप दिख रहे होंगे जिसमें बड़ी कुछ कंपनियाँ, मारुति सुजुकी है जैसे JBM है और यहाँ पे कुछ और भी हैं जैसे बड़े बड़े कंपनियाँ हैं जिनको आप देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ ऑफिशियल डाटा के अनुसार इसकी हाईएस्ट पैकेज 6.2 लाख रही थी इस कॉलेज की और एवरेज पैकेज सिर्फ 3.5 लाख रही है। लेकिन मैं जैसे बता दूँ 6.2 लाख जो है मारुति सुजुकी वालों ने 3 स्टूडेंट को दी थी बीटेक में और डिप्लोमा भी किसी को डिप्लोमा भी 3 बच्चों को मिला है। लेकिन कई बच्चे इस बार कह रहे हैं कि 8 लाख तक भी गया है पैकेज, इसके बारे में मैं नहीं जानता, इसलिए मैं 100% श्योर नहीं हूँ SCTC से 8 लाख पे गया होगा पर कुछ है। लेकिन मैं आपको बता दूँ इस साल का कट ऑफ काफ़ी बेकार गया है मैकेट्रॉनिक्स वालों के लिए, पर टूल इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी अच्छा गया है। टूल इंजीनियरिंग वालों ने 5% का इजाफा किया है लेकिन मैकेट्रॉनिक्स वालों ने बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है, 50% का घाटा हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है क्योंकि अभी तक इस बार नया ही बैच है, तो 4 साल के बाद प्लेसमेंट की कुछ पता होगा।
मीडियम पैकेज की बात की जाए जो कि सबसे बड़ा इफेक्ट होता है किसी भी कॉलेज के बारे में, तो पिछले साल तो काफ़ी अच्छा पैकेज आया था, 2.5 लाख तक गया था, जो कि आपको पता होगा काफ़ी सीएस वाले कई कई कॉलेज में सीएस के 2.5 लाख तक जाता है मीडियम कॉलेज। लेकिन एमटेक इस बार बहुत बेकार रहा है परफॉर्मेंस कॉलेज का। एमटेक वालों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, 20,000 से लेके 3 लाख तक चले गए, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल अच्छा पैकेज रहेगा। कुछ रिव्यूज़ हैं यहाँ पे जो कि आप देख सकते हो, मैंने ऑफिशियली निकाला था तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, वैसे आप ढूंढ भी सकते हो। ये कुछ मैंने ऑफिशियल डाटा से लिया है कॉलेज के, जिनमें उन लोगों ने 2016-17 के बारे में बता रखा है, उसके बाद कोई भी डाटा दिए नहीं रखा। ये कुछ मेजर कंपनीज और रिक्रूटमेंट है जो कि ऑफिशियल डाटा के अनुसार आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि वेबसाइट से बता रहा हूँ। वेबसाइट में मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, तो लिंक दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में, उसे आप जा सकते हो। तो ये आपका आ गया प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। प्रीवियस ईयर जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि आपको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। दिल्ली मैं पहले बात करने वाला हूँ, पहले फर्स्ट राउंड जो कि दिल्ली वालों के लिए, ये दिल्ली वालों के फर्स्ट राउंड है, जिसमें आपको यहाँ पे जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, इन सब पीडीएफ के सारे के लिंक दे दूँगा। ये 2020-21 का लिंक है, 2020-21 का कट ऑफ है, जिसमें ये ओबीसी वालों के लिए है जो कि आप देख लेना। और ये आपका, ये आपको ओबीसी के लिए है, यह आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए, यह आपका डिफेंस वालों के लिए, यह आपका ओपन कैटेगरी के लिए, यह आपका एससी के लिए और यह आपका एसटी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यह आपका फर्स्ट राउंड है, ये सेकंड राउंड है। सेकंड राउंड में आप अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल वालों के लिए 2.8 लाख तक जा चुका है, और टूल इंजीनियरिंग के लिए 5.4 लाख तक गया है, और मैकेट्रॉनिक्स वालों के लिए 4.4 गया है, ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए गया है। और यहाँ पे आप देखते हो ओबीसी वालों के लिए, जनरल वालों के लिए भी आप देख सकते हो यहाँ पे, और एस सी एस टी के लिए बात भी है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। आप मैं बता दूँ, ये आउटसाइड दिल्ली वाले जो कि आउटसाइड दिल्ली वाले आप ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें ओबीसी ये कैटेगरी आपको नहीं मिलता, यहाँ पे आपको बस ईडब्ल्यूएस की मिलती है, और ये ओपन कैटेगरी है। आप यहाँ पे देख सकते हो ओपन वालों के लिए 81,000 तक गया है, और यहाँ पे देख सकते हो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, एस सी वालों और एस टी वालों के लिए भी आप देख सकते हो। तो ये आपका सेकेंड राउंड का है, वो फर्स्ट राउंड का था। यहाँ पर आईपीओ में टोटल 3 राउंड होते हैं और एक स्लाइडिंग राउंड होता है जिसे फोर्थ राउंड कहते हैं। तो यह आपका थर्ड राउंड जो है दिल्ली वालों के लिए है, जिसे कंक्लूजन राउंड भी कहते हैं दिल्ली वालों के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये 2019 का डाटा है, 2020-21 का डाटा अभी तक मुझे नहीं मिला था, तो 10 लाख तक जा चुका है। 10 लाख बहुत बड़ी बात होती है, 10 लाख पर शायद मुझे लगता है इस बार कम जाएगा 2020-21 में, लेकिन शायद इसी के आसपास में रहेगा। तो यहाँ पे आपको कंपनियाँ मिल जाएगी, और ओबीसी इन सब का इसलिए नहीं है क्योंकि उन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया था थर्ड राउंड में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वीडियो यहीं पे समाप्त ख़त्म करते हैं, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, और जिस भी दोस्तों के साथ कभी भी देख रहे हो आप शेयर कर लो। अब डिस्क्रिप्शन में जाके अपने आप लिंक और जो प्रीवियस ईयर कटअप के मैं लिंक डाल दूँगा उसे आप देख सकते हो वीडियो, और नोटिफिकेशन बटन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।